आओ से आओ भजन भजन इनायत कर सी हनीफ खान को आज दूसरा शेर आ गया है, लेकिन मैंने भी अभी तक एक ही शेर सीखा है और वो है शाकिर शुजाबादी का शेर है कि सियासत है बुढ़े मकारा देहत विच मकतब इदारे गवारा देहत विच खुदा मेरे मुल्क को सलामत तू रखी शीशे दा घर है लोहारा देहत विच। मेरे नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के लिए, फहीम चंगवानी साहब आए, सरदार आसम जुबैर खान खोसा भी, और मेरे जो एमपी हैं और इंशाल्लाह आगे भी मेरे एमपी होंगे हनीफ खान पिताफी साहब भी। सिर्फ छोटी सी बात, ये जो सियासत है ये इंसान इज्जत के लिए करता है, ये जो इंसान मेहनत करता है जदोजहद करता है ये इज्जत के लिए करता है। और मेरे अल्लाह ताला का फरमान है कुरान शरीफ में वतुइज्जु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। आप देखिए क्या आज हमारे पास कुर्सी नहीं है, जबरदस्ती हमसे इन चोरों ने उचक्कों ने मीर जाफरों ने मीर सादिकों ने हमसे छीन ली है, लेकिन आज दंदनाते फिरते हैं हम जलसों में गली में मोहल्लों में शहरों में, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत मेरे मौला ने हमें दी है। और हमारे नौजवान हमारे साथ हैं और कहा कि जी सर्किट हाउस में बुलाया गया सरदार अवैस खान लगारी को, क्या हुआ के बचाओ। मेरे ख्याल में सरदार अवैस खान लगारी अब आपकी पार्टी सुलह ही कर ले, क्योंकि तुम तो अपना हलका मेरे से नहीं बचा सके तो ये हलका कैसे बचाओगे। और दूसरा जो इज्जत के लिए सियासत करते हैं, मेरा लीडर इमरान खान आ रहा है तो यहाँ नौजवान कह रहे कि हम इतना बड़ा जलसा करेंगे बलोच यहाँ पे इज्जत रखेंगे, वो दिखाएंगे कि इमरान खान के साथ पूरा डेरा गाजी खान 14 तारीख को निकल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कूड़ मगज नानी है, वो जो कहती है कि लोटों की जगह कहाँ है, लोटों की जगह गुसल खाने में होती है। अब जिसको इज्जत प्यारी नहीं है वो जाके उसके गुसल खाने का लोटा बन जाए हमारी तरफ से,
लेकिन जिसको इज्जत प्यारी है, जिसको इज्जत नफ्स प्यारी है, जिसको मुल्क प्यारा है, जिसको गैरत प्यारी है, मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो सबसे बड़ा मकाम है कि उसके पास टिकट ही इमरान खान की है। खुश नसीब है वो लोग, हमने तो किताबों में कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा है लेकिन हमने देखा इमरान खान को। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज्यादा पंजाब में जहलम के बाद डेरा गाजी खान के लोग परदेश में रहते हैं, सारे के सारे रियाज, जद्दा, गसीम, दुबई परदेश में पूरी उम्र रहते हैं। कफील के हाथों इतना ख्वार होते हैं जिसको कोई हद नहीं, लाश यहाँ पे पड़ी होती है, वालिद वहां पे जनाजे के लिए यहाँ आ नहीं सकता, वहां बैठा होता है। लेकिन मेरा लीडर इमरान खान जब वजीर आजम है तो जब वो शाह से मिलता है तो वो क्या मांगता है, ये नहीं मांगता कि मेरा जाती कारोबार जो है वो आगे जाए, ये नहीं कहता कि मुझे फैक्ट्री लगानी है, ये नहीं कहता कि कल को भगोड़ा बन के मुझे जद्दा नोटों के बैग लेके भागना है। वो क्या कहता है कि मेरे 3000 पाकिस्तानी तुम्हारे जेल में, उनकी गर्दनें आजाद कर दो। तो मैं तो आज आपके पास सिर्फ वोट मांगने आई हूँ इमरान खान का। ऐसे शख्स को आपने हराना नहीं है, इमरान खान की इज्जत रखनी है, गैरत रखनी है, डेरा गाजी खान की गैरत रखनी है, इमरान खान को हारने नहीं देना, क्योंकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान हार गया तो पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन अगर इमरान खान जीत गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। नारा लगाते हैं, नारे लगाते हैं, 14 को इंशाल्लाह जलसे में मुलाकात होगी। आपने वहां दिखाना है कि आप सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को सपोर्ट करने के लिए वोट कर रहे हैं। इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत। बहुत शुक्रिया, बड़ा एकदम बहुत मजेदार, जलसे में जोरदार अपना क्राउड का एहसास दोगे, इतने
पहले मैंने ग्रुप किया था क्या जाते हैं।